तो जंक्शन ट्रांजिस्टर है क्या? डायोड क्या था? डायोड था, पी और एन के कॉम्बिनेशन को डायोड बोलते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है? पी पी और एन का कॉम्बिनेशन ट्रांजिस्टर है, या एन एन और पी का कॉम्बिनेशन भी ट्रांजिस्टर है, यानी कि दो पी के बीच में एन या दो एन के बीच में एक पी, ये ट्रांजिस्टर है। और ये भी जरूरी है कि साइड के पोर्शन बड़े हैं और बीच का पोर्शन छोटा है, तो ऐसे ये साइड के पोर्शन बड़े हैं और बीच का पोर्शन छोटा है, तो ये ट्रांजिस्टर है। ये क्या चीज़ है ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के अंदर लेफ्ट पोर्शन जो भी होगा, चाहे पी का, चाहे एन का, चाहे इसका, चाहे इसका, तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, पहला पीएनपी और दूसरा एनपीएन। तो अगर आप कोई भी ट्रांजिस्टर लो, उसका लेफ्ट पोर्शन लो, इसको हमेशा नाम दिया जाता है एमिटर, चाहे ये है चाहे एनपीएन है, एमिटर, क्योंकि ये एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा? ये होल्स एमिट करेगा राइट की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा राइट की तरफ, इसका नाम है एमिटर। बीच का पोर्शन, जो राइट का पोर्शन है, इसको बोलते हैं कलेक्टर, कलेक्टर, क्योंकि ये एमिट किए हुए होल्स कलेक्ट करेगा, ये एमिट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करेगा, कलेक्टर। और इसके बीच के पोर्शन को बोलते हैं बेस, ये है बेस। तो क्या बना? एमिटर, बेस, कलेक्टर, एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो इसके तीन पोर्शन होते हैं, ठीक है यहाँ तक? तो ये शॉर्टकट डायग्राम कैसे बना ये बाद में डिस्कस करते हैं। तो जब ये ट्रांजिस्टर बनता है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कि जो बेस होता है वो पतला होता है, थिन होता है, जो एमिटर होता है लेफ्ट साइड वो मॉडरेट होता है, वो बहुत बड़ा भी नहीं होता, देखने में चाहे सेम लगता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता साइज में। कलेक्टर बड़ा होता है, कलेक्टर को अपने इलेक्ट्रॉन तो संभालने संभालने हैं और एमिटर के फेंके हुए इलेक्ट्रॉन को भी संभालना है, तो उसका पोर्शन बड़ा रखा जाता है। तो जो बेस है वो पतला, एमिटर मॉडरेट और कलेक्टर लार्ज। डोपिंग, जो बेस है उसकी डोपिंग लाइट रखी जाती है, बहुत कम उसमें मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं बेस में। जो एमिटर है वो हैवी रखा जाता है, हैवी इसलिए क्योंकि इसको भेजना है, इलेक्ट्रॉन और होल्स को भेजना है, जितने ज़्यादा होंगे तभी भेजेगा, जब होंगे नहीं तो भेजेगा क्या, तो इसलिए इसको हैवी रखी जाती है। और जो आपका कलेक्टर है उसको मॉडरेट रखी जाती है, क्योंकि वो कलेक्ट कर रहा है आने वाले इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को, उसके पास पहले अपने भी हैं और वो कलेक्ट भी करेगा, इसलिए उसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा रखी नहीं जाती, वो मॉडरेट में रखते हैं। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। और ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको दो बैटरीज लगानी पड़ती हैं, इसमें करंट अगर मूव करवाना है तो दो बैटरीज लगानी पड़ती हैं, जैसे डायोड को चलाने में सिंगल बैटरी लगती थी, ट्रांजिस्टर को चलाने में दो बैटरीज लगती हैं। पहली बैटरी इसमें और इसमें लगती है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, एन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, तो ये वाला सेक्शन हमेशा हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड ही रखा जाता है, लेफ्ट पोर्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड रखा जाता है। राइट पोर्शन, पी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, एन इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, कौन सी बायसिंग रखी जाती है? रिवर्स। किसी भी ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए दो बैटरीज चाहिए, पहली बैटरी जो लेफ्ट वाली पोर्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रखी जाती है, राइट वाली बैटरी हमेशा रिवर्स बायसिंग में रखी जाती है। जैसे ही आप इनको ऑन करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में इसकी रेजिस्टेंस पतली हो जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस थिन हो जाती है डिप्लीशन लेयर की, और रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है, इधर से कम इधर से बढ़ जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे देर इज अ ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहां से निकल के यहां चली गई, इसलिए ये नाम याद रखना, देर इज अ ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का शॉर्टकट नाम बना दिया ट्रांसिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, ठीक है यहां तक? तो ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के अंदर ट्रांजिस्टर दो टाइप से है, एक पीएनपी और एक एनपीएन। तो पीएनपी और एनपीएन की एक बार वर्किंग को एक बार देखते हैं क्या वर्किंग है।